जिस अग्नि को साक्षी बनकर मेरी दिया की शादी होने वाली थी वो तो टूट चुकी है, अब उसी आग में जलकर मुझे मर जाने दीजिए दादा। छोड़ो मुझे, छोड़ो, क्या कर रहे हैं आप? अंकल क्या लगता है आपको, आपके मरने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे या सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या लगता है? नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा, आपके मरने के बाद इन सबके लिए सब कुछ वैसा ही रहेगा। और इसे देखिए, आप तो चले जाएंगे लेकिन ये पूरी जिंदगी अपने आप को दोषी मानेगी इसके लिए। आपको पता है इसके कोई सपने नहीं है और ना ही कोई एम्बिशन है। जब से मैं इससे मिला हूं सिर्फ एक ही बात सुन रहा हूं मैं कि जो करना है बाबा के लिए करना है, बाबा के लिए ये करना है, बाबा के लिए वो करना है। अंकल ये आपके लिए जीत सकती है लेकिन आप इसके लिए जी भी नहीं सकते। अंकल आप हो ना तो इसका सपना है, आप हो तो इसका मकसद है, और आप हो तो इसके लाइफ में बैडमिंटन है। और आज मैं यहां इसके लिए, इसके सपने के लिए आया हूं और इसके प्यार के लिए आया हूं जो वो आपसे करती है। उस फोटो से कुछ प्रूफ नहीं होता है क्योंकि मेरे और दिया के बीच बैडमिंटन के अलावा और कोई रिलेशन नहीं है। इनफैक्ट आज भी दिया की शादी के बाद और उसके पति के सपोर्ट के साथ मैं उसे मैच के लिए ले जाने वाला था लेकिन यहां पे आके मैंने देखा कि दिया की शादी उस गुंडे के साथ हो रही है और तभी मैंने ठान लिया था कि अब जो भी हो जाए मैं इस शादी को रोकूंगा और दिया को बचाऊंगा। उसके इज्जत के चिथड़े पूरे शहर में उड़ रहे हैं, पूरा जिंदगी लगाकर अगर उन चित्रों को सिएगी ना तो भी जोर नहीं पाएगी। लोग जिंदगी भर इसके चरित्र पर सवाल उठाएंगे, कौन करेगा ऐसी लड़की से शादी जिसके शादी से पहले किसी और के साथ संबंध है, और ऐसी लड़की को कैसे नामों से बुलाया जाता है तुम्हें पता भी है? तुम्हें कैसे पता होगा, बड़ी सोसाइटी वाले जो हो। सारे फसाद की जड़ तुम हो, सब सत्यानाश करके बोल रहे हो कि बचा लिया, इसकी बर्बादी का असली कारण तुम हो।